नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में 18,200 का पुट एनालाइज करेंगे, किस प्रकार का पूरा दिन आज का रहा, कैसे आपको कॉल्स मिले, कौन से ट्रेड परफेक्ट थे, कौन से फेक थे, जिसको आपको ट्रेड नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आज शेयर करूँगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हम डेली बेसिस पोस्ट करेंगे वो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने सामने लगा के रखा है 18,200 का पुट, और जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं ये ऑप्शन एक्स स्ट्रैटेजी है, ये एडवांस ऑप्शन के लिए बनाई गई है। इसमें आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज कर सकते हो। जब आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज करो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको प्रेफर करना है। सो अगर आज पूरे दिन का मार्केट आप देखें तो ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक एक सेल ट्रेंड बना रहा। उस हिसाब से आज जो सिग्नल आपको मिले सॉफ्टवेयर के बेस पे वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल आपको 2 कॉल मिले, एक फेक कॉल था और एक परफेक्ट कॉल था। सो किस प्रकार का कॉल परफेक्ट होता है, कौन सा फेक होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हेकेनेसी कैंडल पैटर्न कंफर्टेबल ना फील करो तो आप उसको चेंज करके नॉर्मल कैंडलस्टिक में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल कैंडलस्टिक लगा के रखा है। अब हम पहले फोकस करते हैं परफेक्ट कॉल के ऊपर। सो जब स्ट्रैटेजी आपको सिग्नल देती है तो आपको जनरेट होता है बाय के लिए ग्रीन कलर का एरो, ठीक है। उस समय आपको एंड ऑफ द कैंडल जो चीज़ें देखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद बायर्स और सेलर्स के परसेंटेज आपको देखने, मैक्सिमम बायर्स आपके साथ होने चाहिए, और उसके बाद ट्रेंड लाइन आपके साथ रहे और स्टॉप लॉस की लाइन जो है व्हाइट कलर की वो आपके कैंडल के नीचे रहे। तो ये पैरामीटर्स जो भी कॉल फॉलो करें वो आपको परफेक्टली टारगेट्स दे जाएगा। अगर कोई कॉल इस पैरामीटर्स को, किसी एक भी पैरामीटर को फॉलो नहीं करता है तो वो फेक कॉल माना जाता है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। तो उस हिसाब से आज आप देखो तो ये एक परफेक्ट कॉल मिला जो आया था 128 के अराउंड, और परफेक्टली इसने आपको 10% का फर्स्ट टारगेट दे दिया। तो फर्स्ट टारगेट आपका 141 का था, सेकेंड टारगेट 159 का था, राइट। तो जो एक्यूरेसी हम कोट करते हैं सॉफ्टवेयर के बेस पे वो फर्स्ट टारगेट की होती है। फर्स्ट टारगेट आपको 10% का रिटर्न देता है, 90-95% आपको ये टारगेट मिल जाएगा। अब ये ऑप्शन एक्स स्ट्रैटेजी में न्यू जो फीचर एड ऑन हुआ है वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन। अब इन दोनों का कितना इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे कि हम पहले बोलते थे कि जो भी आपको ट्रेड करना है वो फर्स्ट टारगेट के बेस पे एग्जिट करना है, वो अभी भी आप फॉलो करो, लेकिन अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहते हो तो उसके लिए आप रेजिस्टेंस का सहारा ले सकते हो। जैसे कि आप रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हो 161 का था, तो रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा ये आपको पता रहता है। तो उस हिसाब से आप आपका जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट पे कुछ लॉट एग्जिट कर सकते हो और आप सेकेंड टारगेट तक कुछ लॉट कैरी कर सकते हो। सो ये एक बेनिफिट होता है आपका, रेजिस्टेंस के कारण आपको उतना एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो इस ट्रेड के बेस पे आप बात करो तो सेकेंड टारगेट का जो आपका प्रॉफिट बुकिंग हुआ वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 128 की एंट्री बनी आपकी और 159 का आपका टारगेट था। सो ऑलमोस्ट आपने 30 पॉइंट्स का बुकिंग किया ये पूरे ट्रेड में। और अगर आप पहले की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो नॉर्मली आपको फर्स्ट टारगेट के बेस पे एग्जिट होना था। तो पहले की भी स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी पहले की स्ट्रैटेजी थी जिसके बेस पे आपको बाय कॉल मिला था, फर्स्ट टारगेट के बेस पे आपको एग्जिट करना था। लेकिन आप अगर ऑप्शन एक्स फॉलो करते तो आपको सेकेंड टारगेट तक का भी यहाँ पे स्कोप मिल जाता। तो इस प्रकार का एनालिसिस आपको ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से मिलेगा। ये एक एडवांस इंडिकेटर है, इसमें आपको कैंडल्स के कलर भी चेंज होके मिलेंगे, वो भी कुछ आपको इंडिकेशंस देंगे। जैसे कि आपका स्ट्रांग बाइंग साइड आपको ग्रीन कलर के कैंडल्स प्लॉट करके देगी और स्ट्रांग सेल साइड आपको रेड कलर के, और जो कैंडल्स के कलर चेंज होते हैं तो उसका एक साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन आपको मिलता है। सो इसी प्रकार की ये स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा भी इसमें कुछ नॉचेस बन के आएंगे। सेल के लिए आपको रेड कलर का ट्रायंगल आएगा और जो बाय का इंडिकेशन आता है तो उसके लिए आपको ग्रीन कलर के नॉचेस बन के मिलते हैं, उसका भी एक इंडिकेशन होता है जहां से मार्केट रिवर्सल का चांस आपको मिलता है। वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, वो एक प्रायर इंडिकेशंस होते हैं जहां से आपको एक मार्केट का व्यू पता लगता है। तो ये जो चार्ट था ये 3rd ऑफ मई का था,
जो आज हमने देखा। और कल के बेस की बात करें तो कल 2nd of May का जो पूरा दिन रहा उसमें आपको कोई भी एक परफेक्ट ट्रेड लायक कॉल नहीं मिला। जो भी एक कॉल आया था वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 3 बजे के बाद आया था, जिसमें आपको उतना टाइम नहीं मिला एग्जीक्यूशन का। तो आप देख सकते हो ये एक कॉल आया था 80 रुपीज़ पे और टारगेट 88 का था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो बनी थी उसका जो हाई लगा था 86.65 का, लेकिन मार्केट ने फिर आसपास ही आपको क्लोजिंग दिया। तो इसी तरह का पूरा कल का मार्केट रहा। जो भी आपको कॉल आया था, एक फेक कॉल यहाँ पे जनरेट हुआ था जहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, पूरा दिन साइडवेज जोन में चला, कोई भी परफेक्ट कॉल आपको नहीं मिला। एंड ऑफ द मार्केट एक कॉल आया था जो परफेक्ट था, लेकिन उसका टारगेट हिट होने तक का आपको एग्जीक्यूशन टाइम नहीं मिला क्योंकि मार्केट क्लोजिंग टाइम था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3:15 पे ये कॉल आया था और 6 रुपये का हार्डली आपको प्रॉफिट दिया। तो ऐसे कॉल में भी आपको ट्रेड नहीं करना है जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हो। तो इसी तरह की ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।